दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि यूनियन बैंक के ग्राहक को आप कैसे डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड अप्लाई करेंगे मोबाइल फोन से। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास यूनियन बैंक का सीएसबी पॉइंट है या आप एक वीसी पॉइंटर है तो आप न अब अपने ग्राहक को मोबाइल से भी आप एटीएम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जितना भी मिनी ब्रांच वाले भाई लोग हैं हमारे और वीसी पॉइंट वाले सेमी होते हैं, तो क्या कि कोई ग्राहक को एटीएम कराना पड़ता था तो पहले फॉर्म भरा कर वेरीफाई करके बड़ा ब्रांच को देना पड़ता था, या ग्राहक को पीसी में ही मतलब कि पीसी में लॉगिन पीसी लैपटॉप में लॉगिन करके उनका एटीएम अप्लाई करने का प्रोसेस पूरा करना पड़ता था। लेकिन अब बहुत ऐसे ग्राहक हैं, कुछ नए नवेली लोग हैं जो बैंक पे आने से कभी कभी क्या होता है शर्माने लगते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे लोगों को मदद कर सकते हैं जो कि उनके घर पे जाके आप उनका एटीएम अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए विशेष कुछ नहीं करना है, ना तो पीसी ना ही तो लैपटॉप आपको ले जाना, मात्र मोबाइल आपको जो आपके पास एनी टाइम रहता है, आप अपने मोबाइल फोन से यूनियन बैंक का कोई भी ग्राहक को एटीएम अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। तो आइए हमारे मोबाइल स्क्रीन पे जहां मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि आप कैसे एटीएम कार्ड अप्लाई करेंगे कोई भी ग्राहक को, बीसी वाले जितने ग्राहक है सभी वो कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों फाइनली अब जो है आप अपना बीसी आईडी मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको पूरा फीचर्स आपको यहाँ मोबाइल फ़ोन से भी मिलता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एटीएम ब्लॉक करने का भी ऑप्शन है, नीचे में आपको एटीएम अप्लाई करने का भी ऑप्शन है। तो चलिए अप्लाई के ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं और इस ग्राहक जो अभी हमारे पास है इनका अप्लाई हम करके आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। दोस्तों पूरा सर्विस यहाँ से आप मोबाइल फ़ोन से भी लोगों को दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लैपटॉप से ही आप किसी को सर्विस देंगे। तो पूरा यहाँ से आपको ऑप्शन मिलता है, जितना ऑप्शन आपको लैपटॉप मिलता है। तो आइए हम प्रोसेस कर लेते हैं एटीएम अप्लाई का। तो दोस्तों एटीएम अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से ग्राहक का आधार नंबर डालना है, जैसे कि लिखा आ रहा है अप्लाई फॉर रुपए डेबिट कार्ड। यहाँ से जो भी एटीएम अप्लाई होता है जनधन खाते में वो डेबिट कार्ड ही आता है, तो यहाँ आधार नंबर डालेंगे, आई एग्री पे टिक मार्क लगा के फिंगर का ऑप्शन आता है जब ग्राहक आपको फिंगर लगाना है। तो फिंगर लगाने के बाद आपको अप्लाई भी एटीएम करेंगे फिर भी फिंगर चाहिए, और आप यहाँ से मोबाइल नंबर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एटीएम पिन भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए फिंगर लोडिंग ले रहा है, प्रोसेसिंग में है, और फाइनली इनका जो है इस तरह का अब आ जाता है डिटेल। जैसे ही फिंगर लेते हैं तो यहाँ से डिटेल भरने का आपको ऑप्शन आ जाता है, यहाँ अकाउंट नंबर शो कर दिया लास्ट का 4 डिजिट। अब नाम डाल देना है कि कौन सा नाम आप एटीएम पे रखना चाहते हैं, तो जो नाम मैंने रखा है अकाउंट में इनका वही नाम डाल दिया हूँ। अब यहाँ से जीमेल आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा है, तो जीमेल आईडी अगर इनके अकाउंट में नहीं जुड़ा है तो यहाँ से आप जीमेल आईडी डाल दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए एड्रेस, इनका जो एड्रेस है इनका वही एड्रेस डाल दीजिए ताकि अच्छा रहेगा। तो मैंने इनका विलेज प्लस पोस्ट और डिस्ट्रिक्ट ये सब पूरा एड्रेस यहाँ से फिलअप कर दे रहा हूँ, और नीचे है बैक और प्रोसीड के ऑप्शन, तो प्रोसीड पे आपको क्लिक करना है। दोस्तों फाइनली कुछ ही सेकेंड में आप अपने कोई भी ग्राहक को पूरा सेवा प्रदान कर सकते हैं, और यहाँ जैसे हम एड्रेस कम्प्लीट डाल देते हैं उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक किया और इस तरह का रुपए डेबिट कार्ड रिक्वेस्टिंग आपको प्रोसेसिंग में है और लोडिंग ले रहा है, कंफर्मेशन अब कुछ ही सेकंड में आ जाएगा अपने सामने। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं अभी प्रोसेसिंग में ही है, 1 से 2 सेकंड समय लगता है क्योंकि सर्वर के प्रॉब्लम होता है, इसके वजह से स्लो हो रहा था, लेकिन अभी हो जाएगा ठीक है। तो अभी देखिए कि इस तरह का सक्सेसफुल का यहाँ मैसेज दे दिया गया है, जैसे ट्रांजेक्शन डेट आज का डेट है, बीसी नाम बता रहा है, बीसी आईडी बता रहा है, टर्मिनल आईडी, और यहाँ से आपका पूरा डिटेल बता रहा है जो कि मतलब रिक्वेस्ट सर्विस जो है वो बता दिया गया पूरा, और अभी सक्सेसफुल भी रहा, मतलब क्या किए फिंगर्स उनका ट्रांजेक्शन, तो एटीएम अप्लाई किया उसका सक्सेसफुल का मैसेज भी दे रहा है। तो इस प्रकार से आप अपने कोई भी ग्राहक को आसानी से डेबिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और पिन जब उनका एटीएम आ जाता है तो पिन भी आप आराम से जनरेट कर सकते हैं, और ये रिसिप्ट प्रिंट करके आप ग्राहक को दे भी सकते हैं, जो रिसिप्ट है प्रिंट करके दे सकते हैं, उसके बाद फिर से मेन्यू आ जाता। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस जरूर कर दीजिएगा।